हेलो जी, हेलो। लेखराज से बात हो रही है आपकी? हम मेरी हाँ, हो रही है। हम ऑपरेटर एक सहायता फाउंडेशन से बोल रहे हैं। उस दिन आपसे बात हो रही थी, आप ड्राइव कर रहे थे, इसलिए संदर्भ बात नहीं हो पाया। बोल रहे हैं कि आपके पास, मेरे पास एक आपका ऑपरेटर दीपक नाम का कोई, हमारे पास एक कंप्लेन लिखाया हुआ है जिसमें आपके विरुद्ध में वह स्टेटमेंट दिया है कि आपने बोले हैं कि हम घर पे जाइए, आप घर पे जाइए, आपका पेमेंट हम डाल देंगे अकाउंट में, ठीक है? आप उनका पेमेंट नहीं डाल रहे हैं, ये क्या मैटर है? हाँ मैटर क्या है, ये यहाँ से गया साइड पे, ठीक है, साइड वहां पे चला नहीं, खड़ा हाँ वाला, ठीक है। हाँ और ये इसके एम गया जब, अच्छा, और हमें उनसे पैसे लेने हैं जो हमने उससे पहले काम किया है, उनका कंपनी का, हमें उनसे पैसे लेने हैं, ठीक है। अब पैसे रोज कह रहा, आज कल हमने वहां स्पेशल बंदा बिठा रखा है वहां पे, ठीक है ना, दो दो बंदे हमारे वहां बैठे हुए हैं, ठीक है ना। अब कौन सा कंपनी में वही काम कर आपका मशीन चल रहा था? एल, रजिस्टर्ड हाँ कंपनी है। हाँ हाँ बोलिए। तो उसके बाद जो है, जब होल्ड करना, हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, तो डेली आजकल आजकल हो रही है। ये लोग, ये जो आया है दीपक, इसने नहीं चलाया एक दिन भी मशीन। अच्छा मैंने ये कहा कि थोड़ा सब्र रखो, पैसे आ रहे हैं, पैसे दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, काम तुमने किया नहीं। इनको कोरोना में भी बैठ के पूरी पूरी सैलरी दी है, पूछो जरा इनको। लॉकडाउन में इनको पूरी पूरी सैलरी दी है, काम नहीं हुआ पूरे साल, मेरा मकान बिक गया है, ठीक है ना। लेकिन मैंने इनको किसी को ये नहीं कहा कि नहीं यार, अच्छा, कोई कोई बात नहीं, देंगे इनको। सुनो सुनो तो सही, इनको दिया। अब एक कंपनी भाग गई जिसका काम किया, ठीक है। अब दो कंपनियां है वहीं पे जिनसे पैसे लेने हैं, इससे पहले के पैसे लेने हैं, वो कह रहे हैं दे रहे हैं, आज दे रहे हैं, कल दे रहे हैं। मैंने वहां पे अपने बंदे बिठा रखे हैं, अरे इन्होंने मेरे नाक में दम कर रखा, पैसे दो, ठीक है। जब इसके हम क्या पैसे आएंगे तो देंगे ना, हम अच्छा पता कि हम कैसे चल रहे हैं, ठीक है ना। मना तो फिर भी नहीं कर रहे हैं, चल यार ठीक है कोई बात नहीं भाई, ठीक है देंगे, अब आने तो दो कम से कम। ठीक है। तो उस देखिए, एक बात आपको बता दे रहे हैं आपको कि आपकी समस्या है निश्चित रूप से। देखिए, कुछ तो कंप्रोमाइज हर मैटर में हर किसी को करना पड़ता है, ठीक है, वो मानते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं। बाकी देखिए, हम लोग ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन एक एनजीओ है जो सरकार से, भारत सरकार से इसका रजिस्ट्रेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन से इसका लाइसेंस प्राप्त है, ठीक है। हम जी जी आपको माने हम आपके पास पहली बार आपको फोन किए, दूसरी बार हम आपको नोटिस करेंगे, तीसरी बार हम हाई कोर्ट में याचिका दायर करेंगे अपने 147 के तहत से, ठीक है। तो माने हम लोग का ये प्रोसीजर है, हम लोग अपना फॉलो करेंगे आप पैसा पेमेंट देने के लिए। बाकी अब आप जब ऐसा बात है निश्चित रूप से, तो हम आपको कुछ दिन का समय ले लेते हैं कि आप बोलिए, जब बोल दीजिएगा उसी समय आपके पास फोन किया जाएगा, निश्चित रूप से उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैंने इसको जो वहां पे बंदा छोड़ रखा है सुपरवाइजर, ठीक है ना, उसका नंबर दे रखा है, ये बराबर संपर्क में है उससे, अच्छा। ठीक है ना। वहां खाने के भी लाले पड़ रहे हैं, हम जानते हैं कि कैसे चल रहा मामला। इनको खाली बैठे की भी तनख्वाह चाहिए, और वो भी टाइम से चाहिए। अरे एक पूरा साल खा लिया फ्री का, इसको समझ में नहीं आया। सब ये अकेला बंदा नहीं है ये, कि इसका हम क्या, इसके पैसे हैं, औरों को भी हैं, दे रहे हैं, कईयों को दे दिए हैं, कुछ रह रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा हाँ, तो ये नहीं है कि यहाँ पे कुछ ऐसी बात है, लेकिन ये अगर अपने एनजीओ में लिखवा रहा है तो लिखवाता रहे फिर। अभी और इसका चाचा नहीं है वहां पे, वो नहीं गया क्या अभी, या और बंदे नहीं गए? अरे भैया देखो, आदमी में आदमी की आंख में जो है ना, शर्म होनी चाहिए कि फ्री में देखिए, तनख्वाह दी है पूरा साल, 14 महीने। ना वो तो आपकी, देखिए, आप इम्प्लॉयर रखिएगा तो निश्चित रूप से आपको पेमेंट देना पड़ेगा। इसमें आप कोई उसके पास उसका एहसान नहीं नहीं किए नहीं उनको, नहीं 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 हम सुनिए ना। समझे नहीं, हम दिल्ली में एम्प्लॉय, हमने नहीं किया, हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं, हमारे बंदे दिल्ली में काम नहीं कर रहे हैं, उनको ठीक कौन सा है, पैसा मिल गया। उसका ले पेमेंट आप ये लीजिए, आप उसका पेमेंट लीजिए, आप हम कहाँ आपको मना कर रहे हैं।
तो आप तो कोई बोल रहे दे हैं तो कि ले। बार बार बोल रहे हैं ये बात कि आप हम उनको लॉकडाउन में बैठा कर पैसे दिए, तो उनको कोई एहसान थोड़ी किए हैं। तो क्या तो किया है? तो घर पे नोट बन रहे हैं। एक एम्प्लॉयर को रखिएगा, नहीं 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 सुनो पड़ेगा, सुनो सुनो देना तो पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ क्या घर पे पैसे बन रहे हैं क्या? मेरे को आदमी आदमी ये सोचे कि नहीं यार कोई बात नहीं, बंदा परेशान है, इसको जो है करवा के देंगे, ठीक है ना? उसी को ठीक है ना, लेकिन हाँ एक मिनट ना, उसी को ना ये मेरी सुनो 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 मेरी लाइफ में ये पहला मौका है। मैं 30-35 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ, ठीक है ना? मेरे पे आज तक किसी ने कोई ये नहीं करा। मैंने सबके पैसे दिए, बैठे हुए भी दिए, छुट्टियां होती है 10-10 दिन घर में छुट्टी भेज देता हूँ, उसके भी देता हूँ, ठीक है ना? और ये पहला बंदा है जिसने मेरे साथ ऐसा किया है। हाँ कोई बात नहीं, कर ले, ठीक है। तब आप बोलिएगा तो हम प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। अगर आप बोलिएगा कि नहीं हम दे देंगे उसका पैसा, कुछ दिन हमको समय चाहिए, तो समय भी दे सकते हैं आपको। दो आपके ऑप्शन दो है, आप जो भी नहीं नहीं एक बात बताओ, जब इस पे तो समय था ना, मैंने तो बोल ही रहा था ना दूंगा, तो क्यों टेंशन ले रहा है? ठीक है ना, किसी के पैसे मेरे पे 25-25 साल से बंदे काम कर रहे हैं। देखिए ना, वो बात से हम आपको बात नहीं कर रहे हैं, हम कोई ऑपरेटर बात नहीं कर रहे हैं। हम आपको क्या पूछ रहे हैं वो बताइए ना, कि आप उसका पेमेंट के लिए कुछ समय दीजिएगा लीजिएगा, या आप हाँ। माने एनजीओ का कोई प्रोसीजर है वो हम अपना फॉलो करें, आप माने हमसे बात कर रहे हैं। मैंने हाँ मैंने बंदा वहाँ पे बिठा रखा है, पैसे जैसे मिलेंगे वैसे मिल जाएंगे पैसे, ठीक है ना? ठीक है, एग्जिट टाइम ले लीजिए हमसे क्या आप। अरे भाई टाइम नहीं है कोई, टाइम उसमें लगे 10 दिन, उसमें लगे 20 दिन, ठीक है ना? पैसे मिलेंगे, पैसे तो बंदा मेरा बैठा हुआ है ना, काम तो हम कर ही रहे हैं ना वहाँ पे। हम आपको 20 दिन का समय दे रहे हैं, आपको 20 दिन उसका पैसा पेमेंट कर दीजिए हमको। आज कितना तारीख है? 24 तारीख है ना, आपको हम 24 यानी 14 तारीख 15 तारीख आपको समय दे रहे हैं कि 15 फरवरी के पहले से उसका पेमेंट कर दीजिए। हम आपको अभी एनजीओ कोई कार्रवाई नहीं करेगी। हम यही देखिए, आप हम नहीं चाहते कि कोई कोई ऑनर का भी हो ऑपरेशन के विरुद्ध, हम ये भी नहीं चाहते कि ऑनर कोई ऑनर भी बहुत सारी समस्या से जूझ रहा है आज कोरोना काल से, कोरोना बहुत सारी समस्या से जूझ रहा है। हम कहे कहेंगे कि ऑनर को ऐसा दुनिया उसमें क्या चक्कर था, काम मिल रहा था तो वो कहते हैं कि कोरोना लॉकडाउन लग गया, हम इनको वापस भेज सकते थे, वो हमने कहा भेजेंगे तो वापस बुलाने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना? खाना पाना ही सब मिलता रहा, ठीक है ना? हाँ ये तो है नहीं कि हम बता रहे हैं उस बात, सुनिए ना आप क्या किए हैं उसके साथ, वो सुनिए। हम पूछने की समस्या है तो आपको हम 15 तारीख को डेट में लिख दें, इंस्टॉलमेंट 15 तारीख को आप पेमेंट कर दीजिएगा उनको, 15 तारीख के पहले पेमेंट कर दीजिएगा। हाँ 15 तारीख आएगा, 15 तक कर देंगे, जैसे पेमेंट आएगा वैसे कर देंगे, ठीक है? 15 तक हम लिख दे रहे हैं आपको, हम उनसे एक बार बात कर लीजिएगा, हम बोल देते हैं उनको 15 तारीख का पेमेंट, आपका 15 तारीख के पहले पेमेंट करने का हमें आश्वासन घर से मिला है, 15 के बाद अगर कुछ होता है तो एनजीओ इस पर रिस्पॉन्स लेगी, ठीक है? ठीक